गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आप अगर जुड़ना चाहते हैं डेली एनालिसिस के वीडियो में और डेली लाइव हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है, उसका अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये मेरा चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ये हमने आज का लाइव किया था, ये 6 दिसंबर का जो है, लगभग 3 घंटे चला था हमारा लाइव, लेकिन उसमें हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया है आज, क्योंकि पूरा मार्केट ही साइडवेज था। वो हमने क्यों नहीं लिया उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब लाइव वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, ये वाला, इसमें आपको वो डिटेल्स मिल जाएगा कि हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन, कौन सा पैटर्न बन रहा था, क्या मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट कैसे ESL हंटिंग करेगा आज, ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करनी है, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। और ये जो कल का एनालिसिस वीडियो है, इसमें मैंने लेवल्स पूरे, जो आज मार्केट ने परफेक्टली काम किया है लेवल्स पे, तो परफेक्ट लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं, वो भी मैंने इसमें इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आपको से रिक्वेस्ट है, चैनल्स पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ, लेवल्स शेयर करता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो देखो, ये सुबह ही मैंने लाइव स्ट्रीमिंग जब शुरू किया था हमने 9:50 पे, वहीं पे मैंने लाइव शुरू करने के बाद बोला था मार्केट पूरा साइडवेज है और नो ट्रेड सेटअप टिल नाउ, ये 11:55 पे मैंने डाला हुआ है। ये हालांकि 20,900 का सी मैंने वॉचलिस्ट में ऐड करने को बोला था, लेकिन तब भी ट्रेड का कोई सेटअप नहीं बन रहा था। और जब मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से जब नीचे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था कोई भी मार्केट शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग का कोई पोजीशन नहीं बन रहा था। और लास्ट वाला मैसेज जो मैंने डाला था, ये वाला, बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग टुडे, तो ये सब मैंने मैसेज क्यों डाले थे, कैपिटल सेफ हो गया सबका, ट्रेड नहीं हुआ है, ओवर ट्रेडिंग नहीं हुआ है, बिल्कुल एक भी ट्रेड सेटअप नहीं बना था, क्यों नहीं बना था, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आई बटन में जो लाइव ट्रेडिंग हमने किया है उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं, निफ्टी का एनालिसिस पहले कर लेते हैं। हालांकि जो लेवल्स है मैंने ड्रॉ करके रखे हुए, मैंने यहाँ पे यहाँ हाइड करके रखा है, मैं आपको समझाने के लिए पहले डेली में चलते हैं। निफ्टी में देखिए, यहाँ पे जो है ना, एक इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, ये बेसिकली जब भी फॉर्म होती है मार्केट में, तो मार्केट एक रिवर्सल पॉइंट बना देता है। अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे ये डोजी बना है, तो मार्केट अगर टॉप पे बना है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। देखिए यहाँ पे एक डोजी मिलेगा आपको, और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डोजी है, ये बॉटम पे जो डोजी बना है ना, वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, और टॉप पे अगर डोजी बना है तो वहाँ से भी रिवर्स हुआ है मार्केट। तो ये डोजी जो अभी बना है आज मार्केट में, तो ये एक रिवर्सल का साइन माना जाता है बेसिकली। तो यहाँ से अभी कल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, मार्केट कहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बना है, अभी क्लोजिंग कहाँ मिलती है हमें, कल वीकली क्लोजिंग मिलेगी कैंडल की, वीकली कैंडल फॉर्म होगा कल, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा मार्केट नीचे की साइड में क्लोजिंग दे रहा है या ऊपर की साइड में। तो चलो इंट्राडे में देखते हैं मार्केट ने क्या किया और कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है। तो यहाँ पे जो है, ये हमारा आज का सेटअप बना था, ये लेवल जो है मार्केट ने सुबह सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन एक डाउन मूव दिया, उसके बाद में ये वाला जो पहला लो लगाया था और ये जो हाई लगा चुका था, मार्केट पूरे दिन साइडवेज जाके इसमें मार्केट में ट्रेड किया है पूरे दिन। यहाँ से जब मार्केट नीचे आने आ रहा था 12 बजे के आसपास, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 12:15 का ये कैंडल है, उससे पहले मैंने जब नीचे, मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन नीचे यहाँ पे सपोर्ट था, इसलिए मैंने बोला था, मैसेज टेलीग्राम में दिया था कि
कोई भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करेगा। तो इसका डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो भी है, ये पैटर्न भी मुझे दिख रहा था, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, कौन से पैटर्न मुझे दिख रहे थे, ये पूरा डिटेल आपको एनालिसिस जो है लाइव स्ट्रीमिंग का जो है वीडियो में डाल दूंगा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। तो कल के लिए अगर देखेंगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में इस हाई को अगर क्रॉस करता है, ये लेवल्स जो मार्क किया है मैंने, ये कल के एनालिसिस वीडियो में भी मिल जाएंगे आपको, उसका भी मैं एंड स्क्रीन में एनालिसिस वीडियो में डाल दूंगा एंड स्क्रीन में, वो भी आप देख सकते हो। ऊपर के टारगेट्स और नीचे के भी लेवल्स मैंने जो निकाल के रखे हैं वो मैंने एनालिसिस में एनालिसिस किया हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कल फ्लैट खुल के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो इस लो के नीचे हम बेरिश ट्रेड लेंगे, इस 20,800 तक के लिए, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा अगर हमें पी साइड का एंट्री लेना है तो। क्योंकि नीचे के साइड में अगर देखें तो छोटे छोटे टारगेट मिलने वाले हैं, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं मार्केट के लिए। तो एक्चुअल में अगर बेरिश मार्केट को होना है तो 700 के नीचे मार्केट बेरिश होने वाला है, वो शायद हो सकता है मंडे के दिन हमें देखने को मिले करेक्शन जो मार्केट में पेंडिंग है, वो करेक्शन टिल यहाँ तक 20,200 या 300 तक आ सकता है। ये गैप फिलिंग जो पेंडिंग है, ये मार्केट गैप फिल कर सकता है नेक्स्ट वीक में। तो फिलहाल के लिए तो हम कल के लिए लेवल देखने वाले हैं। तो अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा ये वाला जो डेलो है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर काफ़ी 900 पे काफ़ी पुट राइटर है, ओआई बिल्टअप ज़्यादा है, इसके नीचे अगर निकलता है तो हम पहला टारगेट 811 का रहेगा, दूसरा टारगेट 20,770 का रहेगा, और थर्ड टारगेट हमारा 20,730 का रहेगा। अगर फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम 21,000 का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ऊपर जाने की अगर कोशिश करेगा तो ये वाला पहला रेजिस्टेंस आने वाला है मार्केट के लिए। अगर इसी रेजिस्टेंस पे ही खुलता है फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। और ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो 21,000 जो है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, यहाँ पे मार्केट क्या करता है। ऊपर की साइड के लिए ये हमारे पास लेवल तो ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि ऊपर के साइड में अगर देखेंगे हम क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा बुल रन दिया है। अभी 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूस बुल साइड में रन कर रहा है, तो एक बेरिश कैंडल बनने की अभी उम्मीद लग रही है मार्केट से। और डेली में अगर देखेंगे तो एक रिवर्सल पैटर्न का कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए हम अपर साइड में जो है क्वांटिटी कम करके ट्रेड करने वाले हैं। तो चलो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी आकर डेली में देखेंगे तो ये एक बेरिश एंगल फिन पैटर्न लग रहा है जो टॉप पे बना है। अगर यहाँ से मार्केट ये ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को, ये वाला जो परसों का जो कल का जो हाई है लो है सॉरी, इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे के साइड में हम देख सकते हैं। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न मुझे लग रहा है बेरिश साइड के लिए। तो 15 मिनट में इंट्राडे के लिए देख लेते एक बार। इसमें भी हमें सिमिलर पैटर्न नज़र आ रहा था बैंक निफ्टी में, तो मैंने वो भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे जब आ रहा था तो मैंने बोला था, ये लाइव में भी मैंने बोला था कि यहाँ से अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये वाले टारगेट आ सकते हैं। और मार्केट जब खुला था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये सुबह ही मैंने मार्केट खुलने के बाद प्री मार्केट में ही लेवल मैंने दे दिए थे। ये वीडियो में मैंने बोला था ये जो लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था, मार्केट एग्जैक्टली उसी वहीं पे खुल रहा था, तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन होने की चांसेस मुझे लग रहे थे। और ये जो ट्रायंगल पैटर्न मुझे कल ही दिखा था, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में एनालिसिस वीडियो में किया हुआ है। तो जैसे मार्केट खुला और निफ्टी जो है यहीं पे खुल रहा था, ये जो लेवल्स है यहीं पे खुल रहा था, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था। तो मैंने मैसेज यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ये टारगेट था हमारा बैंक निफ्टी का, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था, ये मैंने आज के लाइव में बोला है। और ये निफ्टी का है, इसका मैंने दिखा देता हूँ मैं आपको, ये मैंने
सुबह ही दिया था ट्रेड रिस्पॉन्सिबिली, बैंक निफ्टी माइट बी मोर वीक टुडे, ये मैंने 9:15 पे ही लेवल ये मैसेज दे दिया था बैंक निफ्टी का। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लेवल लेवल्स क्या होने वाले हैं। अगर मार्केट बैंक निफ्टी जो है यहीं पे अगर इस जोन में अगर ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम कम से कम उसको बैंक निफ्टी के लेवल जो है ऊपर साइड के लिए ये 46,980 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक हम ऊपर की साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आप जब सस्टेन करेगा तो ऊपर की साइड के लिए ये वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है अभी 47,230 का। अगर यहाँ पे ओपन होके नीचे की साइड अगर ट्रेड करने लगता है तो मार्केट एक बार ये डेलो जो है आज का ये वाला टेस्ट कर सकता है। उसके बाद में यहाँ से अगर नीचे निकलेगा तो ये वाला गैप कल के लिए फील हो सकता है। और ये गैप फील करने के बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जो सपोर्ट है 45,000 यानी 46,000 का, ये वाला लेवल भी मार्केट टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। तो आज के लिए इतना ही था एनालिसिस। अगर आप नए हो चैनल पे, पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली लाइव जो है उसका अगर आपको फ़ायदा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक और कमेंट भी कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।